नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम झा, आपके अपने YouTube चैनल शिवम झा फिटनेस में आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आप भी थोड़ी ही देर में थक जाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में कुछ ऐसी चीजें मैं जो आपको बताऊंगा जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ टिप्स दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें खानी चाहिए, फूड भी बताऊंगा जिसको खाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले टिप पे आते हैं, जो कि है स्टे इन मोशन। देखिए, इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बेड पे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम होता जाएगा। उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। अगर आपको भी अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इसमें आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में लगातार तेजी से बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है। इसका बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जल्दी स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। सबसे अच्छा जो गेम होता है, जिससे सबसे ज्यादा हमारा स्टेमिना बढ़ता है, वो गेम है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश कीजिए, या अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते तो थोड़ी देर या कम से कम 30 मिनट की वॉक या रनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो बढ़ता रहता है। अब बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि रनिंग में मेरा स्टेमिना कम है, मतलब मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता हूँ। दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है, वो है आपका वीक डाइट। दोस्तों, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपका अपना डाइट भी चेंज करना होगा। डाइट में आपको बता दूं, ऐसे ऐसे फूड जो आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाता है, तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो है ओट्स। अगर आप ओट्स खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद पीनट बटर। देखिए, पीनट बटर जो होता है उसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है, उसके साथ प्रोटीन भी हाई होता है, जो तो पीनट बटर भी खाने से आपका जो एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, वो भी बढ़ता है। उसी के साथ में अगर आपको थोड़ी ही देर में स्टेमिना चाहिए, अगर आप थोड़ी ही देर बाद एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या रनिंग करने जा रहे हैं, तो उसके 15-30 मिनट पहले अगर आप ब्लैक कॉफी या कॉफी पीते हैं, इसका मतलब कॉफी का बीन्स यूज करते हैं या खाते हैं या पीते हैं, तो इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। दोस्तों, कॉफी में कैफीन की मात्रा हाई होती है, जिसकी मदद से आपके बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।